ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। धरती के नीचे पानी के स्तर में लगातार कमी होती जा रही है और हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पानी की कमी इतनी ज्यादा हो गई है कि सूखे तक की नौबत आती जा रही है। कुछ जगहों पर पानी नहाने को तो क्या, पीने को भी बहुत ही मेहनत से नसीब हो रहा है और पानी की कमी के चलते कृषि के काम में भी किसानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं जिला गुरदासपुर के कुछ ऐसे गांव जहां ट्यूबवेल पंप से पानी बिना किसी मोटर इंजन और बिजली के निकलता है। पानी ट्यूबवेल बोर्ड से अपने आप निकलता है और वह भी इतने प्रेशर से कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जहां एक तरफ पानी की कमी के चलते देश में सूखे जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और सरकार इस गंभीर विषय में चिंतित है, वहीं जिला गुरदासपुर के व्यास दरिया के नज़दीक सेम के इलाके के गांव जिनमें चंदन भान, चेचिया, पंडोरी, बेसा, घराल, कंतोवाल, घलधारा, साबिर, लमीनी, चौतड़ा, कलीचपुर जैसे दर्जनों कई गांव हैं जिनमें सैकड़ों पानी के पंप ऐसे हैं जो बिना किसी बिजली मोटर और इंजन के 24 घंटे पानी देते रहते हैं। इस इलाके के कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है। लोगों का कहना है कि इन पंपों का पानी इतना साफ और मीठा है कि इस पानी को हम पीने के लिए, नहाने के लिए और कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं और यह पंप कई दहाकों से ऐसे ही पानी निकालते रहते हैं। हम इस पानी का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में किसानों का कहना है कि यह सारा इलाका सेम का इलाका है और ज़्यादा फीट पर बोर करने से पानी अपने आप शुरू हो जाता है। एक बार बोर करवाने के लिए खर्च करवाना पड़ता है, बाद में ना कोई बिजली मोटर का खर्चा और ना कोई इंजन तेल का खर्चा। बिना बिजली मोटर और इंजन तेल के यह पंप अपने आप चलते रहते हैं और यह पानी हमारी फसलों के लिए लाभवंद है। पानी लगातार चलता रहता है और जितने पानी की खेतों के लिए ज़रूरत होती है इस्तेमाल करते हैं और बाद में पंप को लोहे के ढक्कन से बंद कर देते हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जानसन जी, देखो ये ट्यूबवेल किस तरीके ना पानी ऑटोमेटिकली बाहर काट रहे हैं? ये सर कुदरती मालिक की देन हैगी है जी। ये बोर अज तो 7-8 साल पहले चलता आ रहा है। ये तकरीबन इनू कराने वास्ते 1.5 to 2 lakh रुपए का खर्चा है। जल एक बार ये चल पाता है, दोबारा ये बंद नहीं होता है। इनू अं अपनी मर्जी नाल हूँ जो पानी की जरूरत ना हो तो ये अगे अं एक प्लेट लगा के टूटी लगा दें। यह पानी पीन योग बहुत वधिया है। साडा सारा पिंड पंडोरी बंसा इसे बंबी तो पानी यूज करता है। वधिया एक नंबर का पानी है। पिंडां दे पानी का वाटर लैवल बहुत उच्चा है तो खराब हो चुका है। पानी 40-50 फुट के गहराई दे विच पानी बिल्कुल पीन योग नहीं है। ये वधिया पानी है, फसलों वास्ते वधिया है। ये इस टाइम जो मतलब कि लागे छागे जिन्हें जिमीदार है सारे इसे बोर का पानी यूज करते है। पंजी जी, दसो ये खेतों के जो बोर करवाए हुए हैं यदा की फायदा है? इन्हों का फायदा सर एक फायदा है कि अं एक ही बार खर्चा करने, दूजी बार सू बार बार खर्चा नहीं करना पैदा है। तीजा है कि जिदा अं यदा खर्चा कोई नहीं जी, यदा खर्चा पहले जो लगाईदा उदो खर्चा आता, उस बाद कोई खर्चा नहीं। बाकी पिंड के साढ़े लागे छागे जो पिंड है वह भी पानी इतों ही भरते हैं पीने वास्ते। बाकी कोई खर्चा नहीं है, कोई डीजल का खर्चा नहीं, कोई बिजली का खर्चा नहीं है। एको बार खर्च किया जाता जो लोड़ सानू नहीं होंगी उदों अं ये अगे प्लेट ला के बंद कर दी। कारण की है, क्यों आप महाले पानी निकल रहा है? ये जी कुदरती देन है जी। ये जो अं बोर करवाने मतलब 15 दिन ला लो, 10 दिन ला लो, हफ्ता ला लो, एको बार ही खर्चा करना। एको बार खर्चा करना ये ऐटोमैटिक बोर हो जाता, वो ऐटोमैटिक पानी है जोड़ा वो चलना शुरू है। तो ये 250 के आस पास बोर हों, बाकी मतलब कि जे कोई पानी का